नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखते हुए मोदी सत्ता ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी। वैसे भी जनप्रतिनिधि कानून भी कहता है कि अगर आपको 2 साल की या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो लोकसभा के स्पीकर या फिर विधानसभा में जो स्पीकर होंगे वो सब अपना एक आदेश सचिवालय से जारी करते हैं जिसके तहत सांसदी या विधायकी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही एक धाकर वकील ने जो खुलासा किया है कि जिस जल्दबाजी में मोदी सत्ता राहुल गांधी की आवाज को कुचल देना चाहती थी उसमें फैसला लेने की घड़ी में सूरत की अदालत ने 2 बड़ी चूक कर दी है। उसमें उन तथ्यों को ध्यान में ही नहीं रखा गया, तमाम नियम कानून को ताक पर रखते हुए यह फैसला सुनाया गया कि एक मान हानि के मुकदमे में 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी आवाज ना बन सके देश की, वो अडानी को लेकर सवाल ना कर सके, वो मोदी सत्ता से आंख में आंख डालकर उनकी गलत नीतियों पर चुभते हुए सवाल ना पूछ सके, इसको लेकर ही अधिकतम सजा तय की गई ताकि 2 साल की सजा होगी तो सांसदी तो चली ही जाएगी। ऐसे में दिन भर आपने खबर देखी है किसने क्या कहा, कितने लोग भर के कितने लोग बरसे, लेकिन जो तकनीकी फैक्ट्स है उसके आधार पर राहुल गांधी के पास अब विकल्प क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है हम वो भी बताते हैं, साथ ही साथ कपिल सिब्बल की क्या सलाह है हम वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो 2 बड़ी गलती अदालत के द्वारा मानी जा रही है, वकील साहब जो कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी बातों को भी गौर करना, हम उनके स्टेटमेंट को उनके ही थ्रू सुनाएंगे। तो तमाम बिंदुओं को समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। यहां पर एक सिंपल सा हर कोई व्यक्ति समझेगा कि अगर सूरत की कोर्ट ने यह फैसला किया है तो उसके ऊपर आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचता है। आप वहां जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को जब यह लगेगा कि इस मामले में अधिकतम सजा सुना दी गई है तो इस कन्विक्शन को रोका जा सकता है और यह रद्द हो जाएगी तो राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो बहाल हो जाएगी। हालांकि उसका भी एक प्रोसेस होगा, लेकिन यहां से जरा गौर करने वाली बात है कि सूरत की अदालत में चूक क्या हुई, जज साहब ने मजिस्ट्रेट साहब ने कहां गलती की, इसको समझना हो तो अभिषेक मनु सिंघवी के बातों को समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जरा अमर उजाला की खबर का स्क्रीनशॉट देखिए आप, इस खबर में बताया गया है कि राहुल गांधी के पास विकल्प है क्या। अब इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए सूरत कोर्ट ने 30 दिन की मोहलत दी है। राहुल सजा के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, कोर्ट अगर सूरत की अदालत के फैसले पर रोक लगाती है तो उन्हें राहत मिल सकती है, वहीं अगर राहत नहीं मिलेगी तो राहुल गांधी को 2 साल के लिए जेल की सजा हो सकती है, 30 दिनों के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि यहां पर आप एक इंस्टेंस देखिए कि राहुल लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के मामले की तरह राहत की उम्मीद कर सकते हैं। फैजल को एक मामले में 10 साल की सजा हुई थी, उनकी सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान हो गया था, हालांकि हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। राहुल गांधी उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के लोकसभा महासचिवालय के फैसले को भी अदालत में चुनौती दे सकते हैं, यानी लोकसभा के भी जो फैसले आए हैं सचिवालय से जो आदेश जारी हुआ उसके खिलाफ भी वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहां से उन्हें राहत की उम्मीद हो सकती है। ये तो आपको अमर उजाला के हवाले से हमने विकल्प बता दिया, लेकिन इसके बाद हम बताएंगे कपिल सिब्बल ने क्या कहा, वो कैसे संभव हो सकता है, वो आगे की कड़ी में। लेकिन इस बीच में पहले आप जरा देख लीजिए अभिषेक मनु सिंघवी के 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो बता रहे हैं कि सूरत की अदालत से भी थोड़ी बहुत चूक तो हुई है। उन्होंने पहला मामला बताया है कि जब मामला कर्नाटक का था, यह फौजदारी मामला है, इसमें अलग अलग जगहों पर केस दर्ज किए गए, जैसे एक बिहार और रांची में भी उन्होंने बताया कि केस इस संबंध में दर्ज किया गया था और एक केस गुजरात में किया गया, मामला कर्नाटक का। तो इस संबंध में एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है, वहां पर चूक हो गई है। क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा इस हिस्से को आप सुनिए समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, संवैधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये मामला, ये वारदात कोलार
कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई। उसकी कंप्लेंट कहां दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, एक दो जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून, विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या तो मैजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे कि क्या उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मैजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करती है, करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मैजिस्ट्रेट द्वारा, यद्यपि ये मामला आया है कोलार कर्नाटक से। ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ। तो सुना आपने, अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने जो कहा है, यहां से एक बड़ी खामी तो साफ नजर आती है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो इसमें याचक हैं, याचिकाकर्ता, वो बहुत खेल किए हुए हैं। कभी अपने ही इस याचिका पर रोक लगवा देते थे, कभी साल साल भर सो जाते थे, फिर अपने ही रोक लगाए गए याचिका से स्टे हटा देने के लिए कहते थे कि अब फिर से केस हम शुरू करना चाहते हैं। और यह सिलसिला खूब चला, क्योंकि 2019 का मामला 2023 में जाकर फास्ट ट्रैक करके राहुल गांधी को सजा सुनाई गई। तो इसको लेकर बड़ा सवाल उठ गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात बताई है, इसे जरा आप यहां सुन समझ लीजिए, सब कुछ पानी की तरह साफ नजर आएगा। एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी आप कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूं। एक विचित्र बात हुई, जो याचक है इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है, 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मैजिस्ट्रेट था, उस पर एक मिस्टर दवे थे। एक साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो। जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मैजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है, तो याचक कंप्लेनेंट हाईकोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है, अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी। एक साल तक वो पड़ी हुई है, 11 महीने से उसका कुछ नहीं करता है, सब कुछ ठीक है उसके लिए। अचानक वो वापस जाके फरवरी इस वर्ष फरवरी में यानी पिछले महीने हाईकोर्ट को कहता है कि साहब अब काफी एविडेंस आ गई है, अब मैं अपनी खुद का स्टे को वापस लेना चाहता हूं, स्टे को आप निरस्त कर दीजिए, यानी स्टे को स्टे कर दीजिए, स्टे को हटा दीजिए। हाईकोर्ट करता है और वापस जाके मैजिस्ट्रेट जो अभी तक बदल गया है, एक नया निर्णय आ जाता है जो अभी कल आया। आप अपने आप, चित भी अपनी, पट भी अपनी। तो सुना आपने, किस तरीके से यहां पर बहुत बड़ी साजिश रची गई है। और इसी संबंध में अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, उन्हीं के वीडियो को शेयर करते हुए, उसे भी देखिए। राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को सूरत कोर्ट के फैसले के आधार पर रद्द कर दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी जी के सच और सवालों से खौफजदा मोदी सरकार ने कैसे नियमों को ताक पर रखकर इस साजिश को अंजाम दिया है, सुनिए डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी से। ये धाकड़ वकील हैं, इन्होंने कमी पकड़ ली है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएगा और इनके जैसे वकील वहां हुए, तब तो समझिए कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होगी और हो ही जाएगी। वैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उनके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उठानी ही पड़ेगी। पत्रकार तो उठाएंगे, साथ ही साथ पॉलिटिशियंस, जो विपक्ष होता है वो भी, सरकार अराजक ना हो इसके लिए सड़कों से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ता है, तो उनको भी अपनी आवाज उसी गति से मुखर करने की जरूरत है। और उस हर एक आवाज को कुचलने की कोशिश इस सरकार में हो रही है। उम्मीद तो बहुत बंधी है, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो घटना घटी, अभी देश के कई नेताओं को निशाने पर लिया गया है, कई लोग तो सलाखों के पीछे और कई कई सांसदी विधायक की जा चुकी है। तो जरा सोचिए कि राहुल गांधी के साथ जब यह हुआ है, तो निश्चित तौर पर लोग विकल्प की तलाश करेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कैसे होगी।
इस संबंध में कपिल सिब्बल साहब का क्या कहना है, जरा अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। पहला सवाल यही है, राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? राहुल गांधी अपनी सदस्यता रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। भारतीय संविधान में अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसे 2022 के आखिरी महीनों में यूपी की रामपुर सीट से सपा विधायक आजम खान के केस के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। वहीं अब आप आगे आइए सीधे अगले पॉइंट में, अगर हायर कोर्ट से राहुल गांधी की कन्विक्शन रद्द हो जाती है तो क्या राहुल की सदस्यता बहाल हो जाएगी? मानहानि मामले में जवाब सुन लीजिए। मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कहते हैं कि अगर बड़ी कोर्ट ने राहुल गांधी की कन्विक्शन रद्द कर दे या रोक लगा दे तो उनकी लोकसभा सदस्यता बरकरार रहेगी, लेकिन इस बीच में अगर उपचुनाव कराने की जल्दबाजी या सरकार दिखाती है, जैसा कि संभव है कि तुरंत उपचुनाव कहीं सरकार करा देगी, तो फिर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच नहीं जाता है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश पर उपचुनाव पर रोक नहीं लगाई जाती है, तब तक यह मामला फंसा रहेगा। ऐसे में दरवाजे तो हैं, रास्ते तो हैं, और इस रास्ते का प्रयोग कांग्रेस के धाकर वकीलों की फौज करने वाली है। कपिल सिब्बल हो या फिर अभिषेक मनु सिंह भी हो, ये लोग राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से जरा समझिए देश की स्थिति क्या हो गई है। लेकिन राहुल गांधी के पास उम्मीदें हैं, रास्ते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैं, तो रास्ता बिल्कुल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंसाफ की किरण भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट ही है। वहां से अगर न्याय नहीं हुआ तो अंधेरा सा दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।